हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और जैसा कि हम आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा करवा रहे हैं, बिल्कुल हटके करवा रहे हैं। इस तरीके से बुक से द्वारा आपको कोई नहीं करवाएगा। थ्योरी के साथ भी वीडियो है लेकिन बुक के द्वारा नहीं है। बुक में थ्योरी में ये है कि हम जो करते हैं उसी को लिखाया जाता है, लेकिन बुक से क्या है कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होती है, छोटी से छोटी बारीकी भी उसमें पता चलती है। तो मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को ऑनलाइन बुक कोर्स बुक के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग को हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि हमने अभी तक जो है थ्रेडिंग का कंप्लीट हो चुका है पहला चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर जो था वो वैक्सिंग का था, लगभग वो भी कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी सी बाकी थी। जैसा कि हमने दोनों हैंड की वैक्सिंग बताई और अंडर आर्म, अपर लिप्स और हाफ पैर का बता दिया है, उसी तरीके से आपको फुल बॉडी की करनी है। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फुल बॉडी की वैक्सिंग डालूंगी। तो अभी मैं बताऊँगी आप लोगों की वैक्सिंग करते समय आपको कौन सी स्ट्रिप लेनी है और उसके बाद आपको कौन सा जेल लगाना है और पाउडर कैसे लेना है, एस्ट्रिजेंट क्या 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 चीज़ें लेनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो पहला आपके आपको बाउल में पानी लेना है, ठीक है। उसमें आपको एस्ट्रिजेंट डालना है 2 से 3 बूंद और इसकी MRP है 50 रुपीज़। उसके बाद आपको स्ट्रिप रखनी है ब्यूटी इन बॉइंड की, ये किसी भी कंपनी की हो सकती है, कोई एक कंपनी नहीं, बहुत कंपनियां बनाती हैं। आपको साइज़ जो लेनी है वो यही लेनी है, फुल साइज़ लेनी है। जब भी आप शॉप पे कॉस्मेटिक की शॉप पे जाइए तो आप उनसे फुल साइज़ की स्ट्रिप ही लीजिए, क्योंकि ये जो पतली होती है स्ट्रिप वो बहुत अच्छे से बालों को नहीं निकालती हैं। तो आप स्ट्रिप लेते समय बहुत ध्यान दे दीजिए, यानी कि पट्टी को लेते समय ध्यान दीजिए। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये जिस तरफ से ये दाने दिख रहे हैं इस तरफ से आपको करना है, जिस तरफ से ये डार्क दाने हैं इस तरफ से नहीं करना है, बल्कि जिस तरफ से ये हल्के हैं प्लेन हैं इस तरफ से आपको वैक्सिंग खींचनी है। सेम इसी तरीके से ये वाइट वाले भी स्ट्रिप है, ये देखिए ये भी इसी तरीके से है। तो आपको जिस तरफ ज़्यादा गहरा गड्ढे हैं उस तरफ से नहीं, बल्कि जिस तरफ से थोड़ा सा प्लेन है उस तरफ से आपको करनी है। और हमने जैसा कि बताया था कि आपको इतनी जो चौड़ाई है और इतनी जो लंबाई है इतना आपको पकड़ने भर का छोड़ कर बाकी इतनी दूर में आपको वैक्स लगानी है, ताकि आप इतनी दूर से पकड़ के ऐसे खींच सकिए। और जब इधर का भर जाए तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और फिर इस साइड से ये काम। तो आपकी ये जो इतना बचा हुआ था ये भी यूज हो जाएगी पट्टी। उसके बाद पट्टी मार्केट में आती हैं, रंग कलरफुल आती हैं पट्टी, जो कि बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं, कभी इमरजेंसी है तो आप ले सकते हैं। ये देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन ये थोड़ा उस पट्टी की अपेक्षा ये हल्की होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत हल्की लग रही हैं, शायद वीडियो में उतनी क्लियर ना चले लेकिन ये हल्की है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि इतनी हल्की आपको नहीं लेनी है, ये नहीं लेना है, हो जाती है इससे भी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये बहुत इमरजेंसी हो तभी आप लीजिए, वरना नहीं लीजिए। तो आगे आपको हम बताएंगे कि हमने एस्ट्रिजेंट बता दिया, उसके बाद लेना है आपको टिल्कम पाउडर। यदि टिल्कम पाउडर नहीं है तो आप जो है कोई भी नॉर्मल पाउडर ले सकते हैं जो यूज़ करते हैं घमोरी वगैरह के लिए। ये पाउडर इसलिए लिया जाता है कि स्किन जहाँ पे आप करेंगे वहाँ पे नमी होगी तो वैक्स जो है उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस पाउडर को लगाने से वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है, नमी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई हो। और उसके बाद जो हमें लेना है वो लेना है वैक्स लेना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, आप ये वैक्स हीटर है और इसका पावर है, देखिए ऑफ हो गया, फिर नॉर्मल का ये है, हाई का ये है, मीडियम का ये है, हाई का यहाँ पे है, और ये कट हो जाता है जब हीट होने के बाद, ये कट हो जाता है, ऑटोमेटिक है ये। और इसमें हमने स्लिक का हार्ड वैक्स लगाया है,
हमने जैसा वैक्स में पहले ही वीडियो में बताया है कि इसकी MRP 120 रुपये है, ये हमें मिलता है लगभग 110 रुपये या 100 के आसपास मिलता है। ये जिसको जैसे मिल जाए कहीं पे कॉस्मेटिक की शॉप पे, कहीं कहीं ये आपको 90 रुपये का भी मिल जाता है होलसेल रेट पे, या 95 रुपये का मिल जाएगा, और कहीं पे ये आपको 120 रुपये का मिलेगा। तो ये दो शॉप के ऊपर है, किस मार्केट के ऊपर है कि कहाँ से आप लेते हैं। अब इसको हम दिखाएंगे आपको कि ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके को आपको पिघलाना है। इससे कम होगी तो स्किन पे लगेगी नहीं, इससे ज़्यादा होगी तो आप जल जाएंगे, तो ये ध्यान रखें। इतना आपको वैक्स जो है होना चाहिए। उसके बाद ये स्लिक का ही है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है ये नंबर 1 वैक्स है, और ये 160 रुपये की है, ये 130 रुपये 140 रुपये की ये भी मार्केट में मिल जाती है, और कभी कभी MRP भी मिलती है। तो आपको जो लेना है ये, यदि बहुत टैनिंग आपके हाथों पे हो तो तभी आप ये लें, नहीं तो आप नॉर्मल हॉट वैक्स से कर सकते हैं। और एक बीवॉन वैक्स आती है कंपनी की, पर्ल वैक्स, उससे आप फुल बॉडी वैक्स करेंगे तो पेन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको लेनी है वैक्सिंग करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और प्रेस करिए, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें वो घंटी को आप ज़रूर बजाइए, क्योंकि जब तक आप घंटी को नहीं बजाएंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा, यानी कि सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, नहीं जान रहे किस तरीके से है। हो सकता है आगे मैं वीडियो में बताऊँ कि किस तरीके से सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो के लिए, इसकी अगली वीडियो होगी वो ब्लीच की। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, यदि पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके भी बताइए कि आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं वीडियो के बारे में। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।